नमस्ते, सैन्यो की वीडियो लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज के इस नए वीडियो में हम जानते हैं सैन्यो के टैक्सबेस प्रो, टैक्सबेस लैन प्रो या TDS प्रो सॉफ्टवेयर के जरिए आपके जो फॉर्म 16 हैं कैसे ट्रेसेस से पार्ट ए पार्ट बी, ट्रेसेस से पार्ट ए एप्लीकेशन से पार्ट बी, एप्लीकेशन से पार्ट ए ट्रेसेस से पार्ट बी या एप्लीकेशन से पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड करके उसे मर्ज करके डिजिटल सिग्नेचर करके इशू कर सकते हो। ये दिखाने के लिए मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो चुका हूँ। मेरा जो SEC है TDS के ज़रिए उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में, TDS ऑनलाइन सर्विसेज में। यहाँ आपको TDS की ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शंस ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हो फॉर्म 16 है, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कौन से क्वार्टर के लिए, यानी नेचुरली फोर्थ क्वार्टर है तो क्वार्टर फोर्थ सिलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो चूज़ करना है। फिर यहाँ आपका जो टोकन नंबर होता है वो देना है, टैन नंबर ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा। यहाँ से आप पार्ट ए और पार्ट बी का रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो ट्रेसेस वेबसाइट के ऊपर। मैंने आपको वीडियो शॉर्ट हो इसके लिए ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। रिक्वेस्ट जाने के बाद नियरली अबाउट 2 से 3 घंटे में आपका फाइल जो है वेबसाइट के ऊपर रेडी होता है। उसे डाउनलोड करने के लिए आपको आना है डाउनलोड एंड जनरेट में। यहाँ आपको पार्ट ए पार्ट बी दिखाई दे रहा है, सो फर्स्ट आपको पार्ट ए के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। सो सॉफ्टवेयर से आप डाइवर्ट हो गए ट्रेसेस वेबसाइट के ऊपर। जहाँ आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड, टैन नंबर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से फेच किएगा, यहाँ आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। बाकी प्रोसेस जो है पूरा सॉफ्टवेयर हैंडल कर लेगा। सो यहाँ आपका रिक्वेस्ट आईडी नंबर वगैरह ऑटोमेटिकली पिकअप होके आपका जो zip फाइल रेडी है वो डाउनलोड करके लेगा सॉफ्टवेयर में। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। डाउनलोड होने के बाद आपको मैसेज देगा, ओके बोल दीजिए। ऑटोमेटिकली अब आपका पार्ट ए जनरेशन करने के लिए ट्रेसेस का यूटिलिटी ओपन होगा, जहां ऑटोमेटिकली फाइल का पाथ, पासवर्ड और PDF लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। सो इस तरीके से उसने सारी डिटेल्स जो है पिकअप कर ली है। डिटेल्स पिक होने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। यस, स्टार्टिंग PDF जनरेशन, ओके। यहाँ आपको उसने मैसेज दिया ट्रेसेस से जो PDF, ट्रेसेस से जो आपका पार्ट ए का फाइल डाउनलोड किया था उसमें से 6 PDF जनरेट हो गए, ओके बोल दीजिए। कैंसल, यस। सेम प्रोसीजर आपको पार्ट बी के लिए भी फॉलो करना है, जनरेट। सो आपको दिखाने के लिए मैंने पार्ट बी भी ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था। यहाँ प्रोसीजर सेम है, सो इसलिए मैं यहाँ आपको डाउनलोड प्रोसीजर नहीं दिखाया हूँ। सो ये डिटेल्स पिकअप होने के बाद आपको पार्ट बी के लिए भी प्रोसीड पे क्लिक करना है, यस, ओके। सो यहाँ आपका पार्ट बी PDF जनरेशन चालू हो गया। यहाँ आप देख सकते हो 11 PDF जनरेट हो गया है, ओके बोल दीजिए। कैंसल, एग्जिट, यस। अब आपका जो पार्ट ए और पार्ट बी जनरेट हुआ है उसे आपको मर्ज करना है, सो मर्ज पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहाँ आपको आपके एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ आप सिंगल एम्प्लॉय भी चूज़ कर सकते हो या मल्टी एम्प्लॉयज़ भी चूज़ कर सकते हो। मर्ज पार्ट ए पार्ट बी, ओके। सो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मर्जिंग जो है चालू हो चुका है। जब आपका मर्जिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ मैसेज आएगा, डू यू वांट टू ओपन फोल्डर, यस बोल दीजिए।
सो यहाँ आप देख सकते हो पार्ट ए और पार्ट बी मर्ज करके आपके फॉर्म 16 जो है जनरेट हो चुके हैं। सो यहाँ इंडिविजुअल आपके एसएससी वाइज है और यहाँ ये टैन बेस आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप ओपन करके व्यू कर सकते हो। सो इस तरीके से आपके जो फॉर्म से जनरेट हो गए, अब इसे आपको डिजिटली साइन करना है। सो आपको डिजिटल साइन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ आपने जनरेट किए हुए फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ डिजिटल सिग्नेचर के लिए सेटिंग्स दिया है, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अगर लोकेशन देना है तो लोकेशन दे सकते हो, आपके कंपनी का लोगो, फिर आपको सिग्नेचर फ्रंट पेज, लास्ट पेज, पेज नंबर स्पेसिफिक या ऑल पेजेस के ऊपर चाहिए, पोजीशन सिग्नेचर की क्या होनी चाहिए उसकी सेटिंग्स यहाँ आपको दी हुई है। सो ये सेटिंग्स आपको रखनी है, आप आपके हिसाब से उसे चेंज भी कर सकते हो। फिर इसे आपको क्लोज करना है, यहाँ आपको डिजिटल सिग्नेचर जो है वो चूज़ करना है और यहाँ फिर आपको साइन के लिए क्लिक करना है। तो यहाँ आपके जो पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेटेड फॉर्म 16 है उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर करना स्टार्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ ग्रीन कलर में आगे आगे जाते हुए देख सकते हो। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके फॉर्म 16 जो है डिजिटली सिग्नेचर स्टार्ट हो गया है। जब आपके सारे फॉर्म्स डिजिटली सिग्नेचर हो जाएंगे तो आपको डायरेक्टली ओपन फोल्डर बोल के फोल्डर में लेके जाएगा, जहां आप इसे ओपन करके देख सकते हो गिवन पोजीशन के ऊपर हर एक पेज के ऊपर आपका डिजिटल साइन हुआ या नहीं। मेरे पास जो सिग्नेचर था इसे मैंने यूज़ करके आपको फॉर्म साइन करके दिखाया। तो अभी हम वो फॉर्म 16 देखते हैं विद डिजिटल सिग्नेचर। सो यहाँ सिग्नेचर वेरीफाई होने के बाद आपका जो फॉर्म 16 पीडीएफ फॉर्मेट में है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर आ चुका है, ऑल पेजेस बताया था। सो हर एक पेज के ऊपर आपका डिजिटल सिग्नेचर जो है इस तरीके से आ जाएगा। सो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए फॉर्म 16 जो है पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड करके वेरियस कॉम्बिनेशन से उसे मर्ज करके डिजिटली साइन करके आपके एम्प्लॉयज़ को या आपके एसएससीज़ को इशू कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।